के कासगंज में 14 वर्षीय किशोर का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तैयारी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरोज, आपकी भतीजे की मौत का मामला सामने आया है, क्या वजह रही? यहाँ हत्या है, आप क्या मान के चल रही है? क्या नाम था आपके भतीजे का? इसकी तो हत्या की है, उसने अपने यहाँ पता नहीं किया, पता नहीं किया उसकी हत्या की है, क्योंकि सुबह आराम से 8 बजे उठ के गया घर से और इसमें कपड़ा भी लेके गया हाथ में और उसने ले जाके उसे जहाँ जाना था ना वहाँ नहीं पहुँचा है, उसे रास्ते में उसे जब्त कर लिया है और उसकी चप्पल उसके पैर के पेड़ के नीचे रख दी और फावड़ा भी उतार दिया है और जरा सा थोड़े से कपड़े की चीज से उसे कैसे लटका दिया जा सकता है, बताओ लटक जाएगा अपने आप। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का बच्चा है बड़ौली, उसका लक्ष्मण नाम है। बच्चा बहुत अच्छा था, मेरे पास कई साल रह के गया है, आइजन में उसकी दुआ हूँ, पर बच्चा ऐसा नहीं था, मैंने पूरा उसका देखा है तो बच्चा बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था, बहुत समझदारी की बात करता था। क्या मांग कर रही है? मांग तो ये कर रही हूँ मैं कि उसकी पूरी छानबीन जी की जाए कि किसने इसको मारा है, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए, उसका जेब पकड़ करनी चाहिए कि ये किसने मारा है। बड़ौली में लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कृष्ण, उम्र लगभग 14 वर्ष है, कल शाम के समय इस बच्चे ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फौरी सूचना थाने में मिली थी, इस आधार पर बॉडी को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, परिजनों की क्या आरोप है? परिजनों ने अभी कोई कुछ नहीं बताया, हमने पूछा भी था लेकिन उनके द्वारा अभी कोई कंप्लेन भी नहीं की गई है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है? प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा, बाकी पोस्टमार्टम रूपों में जो निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।